दोस्तों आज के वीडियो में एक सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसका अभ्यास अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हो तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगी। शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स चले जाते हैं, शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व चले जाते हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है, बीमारियों से घिरता है, ये उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालेगा। दूसरा, ये ब्रीदिंग टेक्निक आपके सेल्फ हीलिंग सिस्टम, जो शरीर का आंतरिक स्वास्थ्य प्रणाली है, उसको एक्टिवेट कर देती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपकी बॉडी अपने शरीर के अंदर के रोगों को, बीमारियों को खुद से ठीक करने लगेगा। माने आपकी सेल्फ हीलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, अगर आप इस ब्रीदिंग का अभ्यास करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ पहुंचने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं किस प्रकार से इस अभ्यास को करना है, किस समय करना है और कितनी देर तक ये इस अभ्यास को किया जाना है। उससे पहले हम समझेंगे कि ये प्रभाव कैसे डालता है शरीर के ऊपर। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोज हम लाते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं परयोग के ऊपर। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस कैसे आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट डालती है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर बीमार होने की प्रक्रिया और स्वस्थ होने की प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है। हमारे ब्रेन के या नर्वस सिस्टम के दो पार्ट बताए गए हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम माने फ्लाइट एंड फाइट मोड। जब आप अग्रेसिव रहते हैं, बहुत ओवरथिंकिंग में रहते हैं, बॉडी एक्टिव रहती है और आपके आंतरिक सिस्टम भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो इस समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी बॉडी के अंदर भी अग्रेशन रहता है और मेंटल लेवल पे भी अग्रेशन रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है और इन फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी रोगग्रस्त होती है। अब समझते हैं पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड रहता है। जब आपकी बॉडी पूर्ण रूप से रिलैक्स रहती है, शांत रहती है, विचारशीलता शांत रहती है और शरीर के अंदर और मानसिक स्तर पे जब आप शांति महसूस करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इस समय आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब स्वस्थ होने की प्रक्रिया शुरू होती है। दिन भर की जितनी भी गतिविधियां हम करते हैं, दिन भर जितनी भी गतिविधियों में हम इन्वॉल्व रहते हैं, उस समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही ऑलमोस्ट एक्टिवेट रहता है। लेकिन जब हम रात के समय सो जाते हैं, पूर्ण रूप से रेस्ट मोड में होते हैं, उस समय हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है और वही टाइमिंग होती है जब आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके कि क्या हम अपनी स्वेच्छा से पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी श्वास को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब श्वास कैसे आपके पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो ये हमारे लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स हमारे ऊपर से नैरो होते हैं, नीचे से फैले हुए वाइड होते हैं। जब हम गहरा श्वास भरते हैं तो फेफड़े हमारे फैल जाते हैं और फेफड़ों के साथ में ही रिसेप्टर्स जुड़े होते हैं। फेफड़ों के जो मसल्स होते हैं, डायफ्राम होता है, वहाँ रिसेप्टर्स जुड़े होते हैं। ये रिसेप्टर्स जाके आपके ब्रेन स्टेम में जुड़े होते हैं। ब्रेन स्टेम होता है यहाँ पीछे, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर। और जितना आपकी श्वास उखड़ी हुई होगी, जितना आपकी श्वास छोटी होगी, जितना आपकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगी, उतना अधिक आपका रेस्पिरेशन रेट होगा। आप देखिए, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, या आप तनाव में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, या चिंता में होते हो, डर में होते हो, ऐसी कंडीशन में आपकी श्वासों की जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, श्वास ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। और जब आप शांत होते हो तो आपकी श्वास की लेंथ इंक्रीज हो जाती है और उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मतलब ज़्यादा श्वास नहीं लेंगे आप, श्वास को लंबा करके लेंगे, गहरा श्वास लेंगे। तो यही मैकेनिज्म इसमें भी अप्लाई होता है। जब हम गहरा श्वास लेते हैं, श्वास को कुछ क्षणों तक होल्ड करते हैं और धीरे धीरे श्वास को जब बाहर रिलीज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो कम होने लगता है। ब्रीदिंग रेट कम होगा तो ब्रेन स्टिमुलेशन भी
कम होगा और इससे आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इसमें आपको गहरा श्वास लेके कुछ क्षणों तक श्वास रोकना है और फिर धीरे धीरे से श्वास को बाहर रिलीज करना है। इस प्रकार से अगर आप श्वास लेते हो तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपका सेल्फ हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉडी अपने आप को खुद से हील करने लगती है, बॉडी अपने आंतरिक रोगों को खुद से ही खत्म करने लगती है। कोई भी कितना भी गंभीर से गंभीर रोग हो, अगर इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस को अपना लिया जाता है तो डेफिनेटली अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अब तो हमने मैकेनिज्म को समझ लिया है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट अभ्यास की तरफ। देखिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए वैसे तो सुबह का वक्त सबसे श्रेष्ठ है। आप नित्यक्रम आदि से निवृत्त होकर किसी भी ऐसे शांत और खुले स्थान पर बैठ जाएं, नीचे ज़मीन पर बैठ के कर सकें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप लेट के या फिर चेयर के ऊपर बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास को शाम के समय भी किया जा सकता है और आप अपने वर्किंग आवर्स के दौरान भी कर सकते हैं, और इसके अलावा रात को सोने से पहले भी इस अभ्यास को किया जा सकता है ताकि आपको नींद अच्छी आए, रिलैक्सेशन अच्छे से हो और बॉडी हीलिंग अच्छे से हो। अब इसको किस प्रकार से करना है तो मैं आपको सुबह करने के हिसाब से बता रहा हूँ। आप कंफर्टेबल होके नीचे ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से बैठ जाएंगे, ठीक है, कमर गर्दन सीधे रखेंगे, आँखों को सहजता के साथ में बंद कर लेंगे। अब इसमें आपको गहरा श्वास लेना है, जितना अत्यधिक आप गहरा श्वास भर सकते हैं भरें। अब इसमें श्वास भरते हुए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी को भी गहरा श्वास लेने के लिए कहोगे तो लोग इस प्रकार से श्वास गहरा भरते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी अपर चेस्ट में तो श्वास भर गया लेकिन कंप्लीट श्वास नहीं भरा, आपके लंग्स पूरे तरीके से एक्सपेंड नहीं हुए, आपका डायफ्राम को पूरे तरीके से स्ट्रेच नहीं किया है। तो इसमें क्या करना है, आपको सहजता के साथ श्वास भरें, और जब आप सहजता के साथ श्वास भरेंगे तो हल्का सा आपका स्लाइटली पेट भी फूल जाएगा। अब श्वास लेने में अगर आपको 2.5 से 3 सेकंड लगते हैं तो उसके बाद श्वास को अंदर होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5। 5 सेकंड रुकने के बाद में धीरे धीरे से श्वास को जितना हो सकता है सहजता के साथ में, यही इसका क्रूशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्वास को बहुत ही धीरे धीरे से रिलीज करना है, बिल्कुल सहजता के साथ में। फिर से एक बार देखें, पूरा श्वास आपने अंदर भरा, 5 सेकंड तक आपने श्वास को अंदर रोकना है। अगर आपको 5 सेकंड में घुटन महसूस होती है, इतना अभ्यास आपको नहीं है, तो आप 3 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। 3 सेकंड श्वास रोके, उसके बाद इससे डबल टाइम आपको श्वास बाहर निकालने में लेना है, 6 सेकंड। धीरे धीरे से श्वास को बाहर रिलीज कर दिया, पुनः गहरा श्वास लिया, 5 सेकंड तक श्वास को अंदर रोका, 3 से 5 सेकंड तक, उसके बाद धीरे धीरे 6 से 10 सेकंड के अंदर श्वास को बाहर रिलीज कर दिया। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। पहली, किसी भी पॉल्यूटेड प्लेस के ऊपर बैठ के इस अभ्यास को नहीं करना है। दूसरा, आपका बॉडी पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, अगर लेटते भी हैं तो आप बहुत ऐसे स्थान पर ना लेटें कि आपकी कमर बैंड हो जाए, ठीक है। चेयर के ऊपर बैठते हैं तो भी आप कमर गर्दन को थोड़ा सीधा कर लें। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें श्वास लेते हुए आपको घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए। आप जितना सहज इस प्रक्रिया में रहोगे उतना अधिक आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जितना पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। हमारा उद्देश्य है बॉडी की सेल्फ हीलिंग को एक्टिवेट करना, तो सेल्फ हीलिंग तभी एक्टिवेट होगी जितना आप बॉडी को रिलैक्स स्टेट में लेके जाओगे। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे आपकी श्वास ऑटोमेटिकली ही सहज होती जाएंगी। तो इस प्रक्रिया को आप रेगुलर करना शुरू करें, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, दिन में अगर कभी आपको तनाव होता है उस समय भी इसको दोहराया जा सकता है। अगर इसकी समय सीमा की बात करें तो आप 5 मिनट से प्रारंभ करें, धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाते हुए 10 मिनट और 15 मिनट तक लेके जा सकते हैं। रात को सोते हुए तो मैं आपको रेगुलर रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलरली इसका अभ्यास जरूर करें ताकि आपकी बॉडी पूरे तरीके से रिलैक्स स्टेट में जा सके, और जितनी बॉडी रिलैक्स स्टेट में रहेगी उतना हीलिंग प्रोसेस अच्छे तरीके से होगा, बॉडी अपने आप को हील कर सकेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी स्वयं की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो आप हमारे साथ योगा क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी हेल्थ जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर लें। आपका खुद का कोई भी हेल्थ इश्यू है तो हमारे साथ में ज़रूर साझा करें, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।